पेटीएम के इस बुरे माहौल के अंदर मैंने सिर्फ कंपनी का एक नंबर चेक किया, उनकी बैलेंस शीट पे जाके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर ये नंबर आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी के पास कैश ऑन बैलेंस शीट इस टाइम कितना पड़ा है। कंपनी के पास आज की डेट में 8900 करोड़ कैश पड़ा हुआ है, जो कि उन्होंने आईपीओ के टाइम पे रेज किया था पैसा। ये कैलकुलेशन कंपनी की मार्केट कैप पे लगाइए, जो कि ऑल टाइम लो पे लगभग लगभग 20,000 करोड़ के आसपास की आ चुकी थी। ये कैलकुलेशन करनी इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर कंपनी का कैश आप हटा दो मार्केट कैप से, 10,000 करोड़ पे ये कंपनी एक टाइम पे अवेलेबल थी। और आप कंपनी के बिजनेस ऑफरिंग्स को चेक करिए, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के फोन में पेटीएम है, जो कि वो एक महीने में एक बारी भी यूज करें। तो आप हिसाब किताब लगाइए कंपनी की लेंथ और ब्रेथ का क्या हिसाब है। आपको जजमेंट करने से पहले एक बारी सोचना चाहिए, जो उनका बिजनेस बंद हुआ है उसका फायदा और नुकसान की कैलकुलेशन उसके शेयर प्राइस पे आ चुकी है, जो कि मोर देन 50% का डिक्लाइन आ चुका है। कंपनी के मैनेजमेंट ने बिजनेस के अंदर भी इतना डिक्लाइन के आसपास की बात करी हुई है। ये होगी एक बात कि कंपनी अगर इस माहौल में फॉल में बैठी हुई है और बिजनेस भी फॉल में आया हुआ है, तो नंबर जो हैं वो आपके फेयर वैल्यू पे खड़े हो चुके हैं। आप ये सोचिए, किसी बड़े प्लेयर को आज की डेट में इंडिया के अंदर फिनटेक स्पेस के अंदर एंट्री लेनी है, तो उसके लिए फिनटेक स्पेस के अंदर इंडिया के बिगेस्ट प्लेयर जो कि पेटीएम है, उसके साथ जुड़ के क्या बढ़िया बात हो सकती है इस कंपनी के लिए। कंपनी की मैनेजमेंट ने जल्द से जल्द अपना पेमेंट्स बिजनेस, जो कि आने वाले फ्यूचर में बंद होने वाला है, उसकी कोलैबोरेशन एक्सिस बैंक के लिए कर दी है। ये सिचुएशन पे एक अच्छा प्रमोटर और को-फाउंडर और मैनेजमेंट वही है जो कि जल्द से जल्द डिसीजन ले और अपनी सिचुएशन को काम करना शुरू करें। कंपनी के मैनेजमेंट ने मार्केटिंग एफर्ट्स करके हर जगह पे अपना ये प्रूफ कर दिया है ऑडियंस के लिए कि उनके साउंड बॉक्स, क्यूआर कोड्स, जितनी भी फैसिलिटीज है वो फ्यूचर में भी एप्लीकेबल रहेंगी। ऐसा अफवाहों में मत आइए कि पेमेंट्स बैंक कंपनी का अगर बंद हो रहा है तो उसका सलूशन कंपनी ने एक्सिस बैंक के साथ निकाल दिया है। ये कैलकुलेशन करनी इसलिए इंपॉर्टेंट भी है कि अब सबसे बड़ा बिजनेस अगर कंपनी का आने वाले फ्यूचर में खड़ा होगा, उससे पहले कंपनी अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगी। सबसे पहले एक नंबर पे आप कैलकुलेशन करिए, कंपनी की बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट के नंबर्स को खोल के देखें। उसमें आपको एक बड़ी रेवोल्यूशनरी चीज मिलेगी, कंपनी का एम्प्लॉय कॉस्ट। आज की डेट में अगर कंपनी का बिजनेस कम हुआ है और कंपनी अब फ्यूचर में अपनी एम्प्लॉय कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स ले, आप ना हिसाब भी नहीं लगा सकते कि ये फिनटेक स्पेस की कंपनी है, जहां पे खर्चे अगर कम होना शुरू हो जाए और बिजनेस वापस चलना शुरू हो जाए, कैलकुलेशंस के अंदर बहुत बड़ा ऑपरेटिंग लिवरेज का प्ले आता है, जहां पे बिजनेस बहुत बढ़िया कैश फ्लोज बनाना शुरू कर देगा। ये पहली बार इंडिया के अंदर ऐसे किसी प्रमोटर के साथ दिक्कत नहीं हुई कि उनका बिजनेस जो है फॉल हुआ है, शेयर प्राइस फॉल हुआ है। इंडिया में किसी भी फेमस प्रमोटर, को-फाउंडर, मैनेजमेंट के साथ पूछिए ये वाली बात कि पास्ट में भी ऐसी चीजें होती हैं। बिल्कुल हाँ, 50% 60% शेयर प्राइस टूटना बड़ी आम बात है फेमस कंपनीज के लिए भी। ये पेटीएम भी इस माहौल से वापस आएगा, और जिस दिन वापस आएगा आप इस शेयर को पकड़ नहीं पाएंगे। आप टिप्पणी देने से पहले चेक करिए कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर नंबर्स की कैलकुलेशन क्या है। आज पेटीएम इस माहौल में बैठा हुआ है जहां पे उसने फास्ट डिसीजन लेके एक्सिस बैंक के साथ अपना जो टाई अप किया है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स कंपनी को बाद में जाके मिलेंगे, क्योंकि कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल को चेंज किया है। चेंज करने से कंपनी आज की डेट में अभी भी अपने बाकी बिजनेसेस में फोकस करेगी, जो कि उनके फ्यूचर में भी चलने वाले हैं। ये
ये टाइम होता है राइट टाइम कि आप अपने डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग रखें, नंबर्स पे फोकस करेंगे तभी शेयर प्राइस में भी कॉन्फिडेंस आएगा। आपको नंबर नहीं पता होते इसलिए आपको डर लगता है। थैंक यू।